तो ये 50 प्लस स्पीड है। सो चलो इस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसा क्या ब्रेकिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। सो 75 प्लस अभी ऐड कर रहा हूँ, 80-85 लैग कर रहा है पावर पे, पावर लैग हो रहा है। इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। So guys, देख पा रहे हो मेरे सामने आज खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर NS160 डिजिटल मीटर एंड एलईडी हेडलाइट सेटअप वाला मॉडल। ऑलरेडी मैंने इस बाइक के ऊपर रिव्यू वीडियो एंड राइड रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा आप लोगों का क्वेरी आ रहा था कि आप लोग इस बाइक के ऊपर एक माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो कि न्यू मॉडल पे गाइस हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन में कैसा क्या माइलेज आप लोग प्रोवाइड करेगा। सो मेरा जो माइलेज टेस्ट होने वाला है ना गाइस बहुत ही डिफरेंट, आप लोग जैसे यूट्यूब पे देखते हो वैसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इस बाइक को हर एक कंडीशन पे टेस्ट करने का, फिर जाके गाइस आप लोगों को बताऊंगा एंड मेरा माइलेज टेस्ट पे क्या डिफरेंट है वो तो गाइस आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। सो गाइस वीडियो जरूर एंड तक देखना एंड गाइस अगर मेरे चैनल पे नए हो चलो गाइस अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो इस बाइक में क्या बदलाव आया है वो कुछ पॉइंट्स पहले बता दूंगा, फिर गाइस करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। एंड ऑलरेडी मैंने गाइस इस बाइक का ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम के बारे में रिव्यू वीडियो में बता चुका हूं, जाके गाइस आप लोग चेक कर सकते हो अगर इस बाइक को आप लोग फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो कितना क्या लोएस्ट डाउन पेमेंट पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो, देन गाइस आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूं मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर। तो फर्स्ट जो बदलाव है जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यू NS160 पे जो फ्रंट फेस है ना उसको गाइस पूरा ही चेंज कर दिया है। इधर पे आप लोगों को जो विंडशील्ड है उसका डिजाइन एंड शेप वगैरह चेंज देखने को मिलेगा। देन गाइस आप लोग प्रोवाइड करता है इधर पे एलईडी इंडिकेटर, सो जो गाइस फाइनली चेंज हो चुका है RS वाला इंडिकेटर आप लोगों को अभी NS160 पे प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन गाइस आप लोगों को फ्रंट के साइड पे एलईडी हेडलाइट सेटअप प्रोवाइड करता है विद एलईडी DRL। इसका डिजाइन एंड लुक्स मुझे तो गाइस पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, पूरा ट्रांसफॉर्मर की तरह आप लोगों को लुक प्रोवाइड करता है। एंड यूएसडी फॉक अपसाइड डाउन सस्पेंशन डुअल चैनल ABS तो गाइस पहले से ही आप लोगों को स्टैंडर्ड वाला मॉडल पे प्रोवाइड कर ही रहा था। सो अभी गाइस आप लोगों को फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड करता है विथ टर्नबल टाइम नेविगेशन। इधर पे आप लोगों को नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, देन कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट हर एक चीज आप लोगों को अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड करता है। कितना किलोमीटर का बाद गाइस आप लोगों को सर्विस करवाना पड़ेगा वो किलोमीटर का काउंटिंग भी आप लोगों को दिखाएगा। देन इधर पे स्विच जो है असेंबली इसको पूरा चेंज कर दिया, इधर पे अपर डिपर का बटन था पहले लेकिन अभी पासिंग स्विच के अंदर ही अपर डिपर मिलता है। देन गाइस इंडिकेटर हॉर्न एंड बीच में जो बटन है इससे गाइस आप लोग कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो। एंड राइट साइड पिनियन कील स्विच के साथ सेल्फ एंड हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन। एंड गाइस आप लोगों को न्यू वाला मॉडल पे अभी चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो USB चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट करने के बाद आप लोग ऑन द गो चार्ज वगैरह कर पाओगे। लेडीज फुटेज वगैरह आप लोग मिल जाता है, साड़ी गार्ड मिल जाता है, डुअल चैनल ABS से मैं पहले ही बता दिया। एंड इधर का जो टेल सेक्शन है ना इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज हुआ है, N150 एंड N160 पे जो यहाँ पे लाइट मिलता है ना उसका शेप आप लोगों का अभी न्यू NS160 पर प्रोवाइड कर रहा है। एंड डुअल स्टैंड मिल जाएगा, सिंगल स्टैंड मिल जाता है। इंजन में गाइस अभी भी किक स्टार्ट का ऑप्शन है, अगर बैटरी डेड हो जाए उस टाइम पे राइडर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड ये है गाइस व्हाइट कलर एंड रिव्यू वीडियो एंड राइड रिव्यू वीडियो पे मैंने गाइस आप लोगों को ब्लैक कलर थीम दिखाया था। सो जरूर कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है न्यू डिजाइन नया शेप। सो गाइस ये था कुछ बदलाव न्यू बजाज पल्सर NS160 पर। सो चलो अभी आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर, देन माइलेज टेस्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस इधर पे खड़ी हुई है न्यू बजाज पल्सर NS160। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप लोग इस बाइक के ऊपर एक माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो, सो फाइनली गाइस आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूँ। एंड मेरा माइलेज टेस्ट गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, जैसे आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज देखते हो वैसे नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इस बाइक को कोशिश करूंगा हर एक कंडीशन पर टेस्ट करने का विथ पिलियन एंड हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर, फिर जाकर देखेंगे कि कितना क्या माइलेज नया NS160 आप लोगों को प्रोवाइड करता है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो गाइस पूरा चेंज हो चुका है आप लोग बताइए। सो बाइक में एकदम पेट्रोल नहीं है वो चीज़ में गाइस आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। सो देख रहे हो टैंक में जो है ना एकदम ही पेट्रोल नहीं है, अभी हम लोग करने वाले फ्यूल अप। एंड इधर पे देख पा रहे हो ओडोमीटर जो 1 किलोमीटर है मतलब गोडाउन से इधर पे आया है।
सो ट्रिप बी पे है, ट्रिप ए पे देख पा रहे हो 0.7। सो गाइस देख पा रहे हो मेरे पास आ चुका है 100 ml पेट्रोल, अभी हम लोग करने वाले हैं इसमें फ्यूल अप एंड इसमें 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी गाइस आप लोग इजी राइड कर पाओगे एंड नॉर्मल पेट्रोल से भी आप राइड कर पाओगे। सो 100 ml पेट्रोल हम लोगों ने कर लिया इधर पे पूरा फ्यूल अप। तो चलो अभी देखते बाइक जो है वो स्टार्ट होता है या नहीं। पहले गाइस FI को ऑन ऑफ कर लेते हैं क्योंकि फ्यूल पंप पे पेट्रोल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस फाइनली बाइक जो स्टार्ट हो चुका है एंड इधर पे ट्रिप वन को हम लोग कर रहे हैं जीरो। तो 0.7 किलोमीटर चला हुआ था सो अभी देख पा रहे हो ट्रिप ए को हम लोगों ने कर लिया जीरो एंड ऑडोमीटर पे जो है वन है। सो अभी विथ पिलियन टेस्ट करने वाला हूँ, इसके लिए देख पा रहे हो पीछे जो है भैया बैठेगा एंड हेवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पे मैं इस बाइक को टेस्ट करूँगा एंड ओवरऑल डिज़ाइन लुक पे कुछ भी छिड़कानी नहीं किया, ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। सो मेरा हाइट 5.10 feet, दोनों तरफ पैर मेरा इजिली पहुँच रहा है। 5.6 या 5.4 का बंदा है ना वो भी गैस इस बाइक को ईजिली राइड कर पाएगा एंड गोप्रो मोड पे मैं गैस आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना दे रहा हूँ। सो बाइक का जो बेस एंड थंब है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन बेस गाइस पहले की तरह आप लोगों को मिलता है। सो देख पा रहे पीछे जो बंदा बैठा हुआ है। सो पहले गाइस हम लोग चलाएंगे थोड़ा गलियों के अंदर, फिर जाके गाइस हम लोग खाली सा रोड पर भी राइड करेंगे, थोड़ा स्पीड अप करके राइड करेंगे। सो अगर आप लोग बाइक करते हो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ खाली सा रोड पर राइड करोगे, गलियों के अंदर भी राइड करोगे दैन रोड पर ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर। सो इसके लिए पहले कुछ किलोमीटर में चला लेता हूँ गलियों के अंदर, फिर जाके गाइस हम लोग रोड पे हाई स्पीड पर भी राइड करेंगे। सो बहुत लोग क्वेरी करते हो क्यों मैं 100 ml पेट्रोल पे माइलेज टेस्ट करता हूँ। देखो 100 ml पेट्रोल पे जो माइलेज आएगा एक लीटर पेट्रोल पे वही गाइस सेम टू सेम आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड करेगा। एंड इस बाइक के लिए अगर सिटिंग पोस्चर की बात करूँ, फुट पेक्स थोड़ा पीछे की तरफ है, टैंक को मैं इजीली गाइस पैर से ग्रिप कर पा रहा हूँ, क्लिपर हैंडल बार है, हैंडलिंग गाइस बहुत ज़्यादा लाइट है एंड इस फुट पेक्स की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा समझदार झुक के बैठना पड़ता है, मतलब 10% जो जिसके लिए आप लोगों को और भी थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड करता है। एंड देख पा रहे हो मैं अभी बहुत ज़्यादा खराब से टूटे फूटे रोड पर राइड कर रहा हूँ। सस्पेंशन गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब फ्रंट पे USD फोक एंड रियर पे मोनोशॉक, इसके वजह से गाइस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है, एकदम ही झटका वगैरह मुझे महसूस नहीं हो रहा है। एंड इधर पे थर्ड गियर पे फोर्थ गियर पे राइड कर रहा हूँ 20-25 ऐसा स्पीड में, क्योंकि देख ही पा रहे हो एकदम ही गलियों के अंदर है, इसके लिए ज़्यादा स्पीड अप करके राइड नहीं कर पाऊँगा एंड ऐसा कुछ आप लोगों को हॉर्न मिलता है। हैंडलिंग गाइस बहुत ही लाइट है, बहुत ही ज़्यादा। सो इधर पे चेक कर लेते हैं हैंडल रेडियस, सो ऐसा कुछ ह्यूज फ्यूल टैंक है एंड हैंडल रेडियस थोड़ा सा कम है, मतलब क्योंकि ह्यूज फ्यूल टैंक है ना इसके वजह से। एंड इसे स्पीड पे गलियों के अंदर राइड करने के टाइम पे माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि क्लच करना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, ब्रेकिंग करना पड़ता है, इसके लिए ना गाइस आप लोगों को माइलेज पे डिफरेंस मिलेगा। एंड अगर आप लोग खाली सा रोड पे एक ही स्पीड एक ही गियर पे राइड करोगे उस टाइम पे गाइस आप लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा एंड उतना ज़्यादा माइलेज पे अंतर नहीं आता है, उस टाइम पे गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड करेगा। सो 160 cc का बाइक है, सो मेरे एक्सपेक्टेशन है 40 से लेकर 45 तक अप्रॉक्स आप लोगों को माइलेज प्रोवाइड करेगा। सो देखते हैं कितना क्या माइलेज मिलता है आप लोगों को न्यू NS 160 से। एंड बाइक का अगर इंजन की बात करूँ ना, पहले वाला मॉडल से मुझे थोड़ा चेंजेस लग रहा है, मतलब साउंड रिफाइनमेंट पे थोड़ा बदलाव हुआ है। आप लोग अगर राइड करोगे राइड करके पता चल जाएगा कि बाइक में काम हुआ है। एंड हम लोगों ने इधर पे गलियों के अंदर राइड किया 1.1 किलोमीटर। सो अभी चलते हैं थोड़ा रोड पे, उधर पे जाके गाइस थोड़ा बाइक को स्पीड पे राइड करेंगे, क्योंकि बहुत देर से स्लो स्पीड पे राइड हो चुका है। 1.2 किलोमीटर हम लोगों ने चला गलियों के अंदर, अभी रोड पे चल रहे हैं जिधर पे थोड़ा बाइक को पुल करेंगे। ओ नाइस, क्या ही एग्जॉस्ट नोट प्रोवाइड कर रहा है एंड एग्जॉस्ट नोट पे भी गाइस बदलाव आप लोगों को मिलेगा न्यू NS 160 पर। पावर रिस्पॉन्स गाइस 5000 RPM के बाद बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब एग्रेसिव हो रहा है। नाइस, क्लच गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, गियर शिफ्टिंग मीडियम सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन राइड करके गाइस मज़ा आ रहा है क्योंकि स्मूथनेस रिफाइनमेंट इंक्रीज हुआ है, वाइब्रेशन वगैरह उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आ रहा है न्यू
NS160 पर। एंड स्विच असेंबली भी गाइस चेंज हो चुका है लेफ्ट साइड पे, इधर पे आप लोगों को पासिंग अपर डिपर मिलता था, लेकिन न्यू मॉडल पे गाइस पासिंग बटन के अंदर ही अपर डिपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। एंड इधर पे एक एम बटन आया है जिससे गाइस आप लोग कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो। इंडिकेटर हॉर्न राइट साइड पे गाइस इंजन केयर स्विच के साथ सेल्फ मिलता है, लेकिन बीच में और एक बटन है जिससे आप लोग हेडलाइट ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड जब आप लोग हेडलाइट ऑन रखोगे ना, उस टाइम पे गाइस इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ये नया एक वार्निंग आया है जो बजाज का अभी न्यू मॉडल पे लेटेस्ट मॉडल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इस पे गाइस आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन वगैरह मिलता है। एंड ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन गाइस आप लोगों को NS160 एंड NS200 पर ही मिलता है, NS125 पर नहीं मिलेगा। एंड फ्रंट हेडलाइट को तो गाइस पूरा चेंज कर ही दिया है, जिसके वजह से लुक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड अगर आप लोग नाइट के टाइम पे सिर्फ DRL को ऑन करके राइड करोगे ना, उस टाइम पे गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक आप लोगों को प्रोवाइड करेगा एंड हेड टर्नर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बाइक का जो डिज़ाइन एंड लुक से इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन हेडलाइट चेंज करने की वजह से बाइक का जो लुक है ना पूरा ही चेंज हो चुका है। मतलब फ्रंट से अगर कोई देखता है सो बहुत ही ज़्यादा हेड टर्नर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड व्हाइट कलर भी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बीच में गाइस ब्लैक कलर का फ्यूल टैंक कैप है। एंड इधर पे पल्सर का जो ब्रांडिंग है वो भी गाइस आप लोगों को ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। एंड ऊपर के साइड पे इधर पे गाइस आप लोगों को RPM लिमिटर, मतलब गियर शिफ्टिंग वार्निंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ पेयर है या नहीं उसका वार्निंग्स वगैरह ऊपर के साइड पे मिलेगा। एंड मिरर्स की बात करूँ पहले की तरह ही है, एकदम ही वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, इतना तक राइडर के हैंडल है, बाकी जो पूरा पीछे का व्यू आप लोग प्रोवाइड करेगा। सो बढ़िया क्वालिटी का मिरर है। एंड ब्रेक टेस्ट करके भी देखेंगे, क्योंकि इस पर डुअल चैनल ABS है, कैसा ब्रेकिंग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो भी टेस्ट करके देखेंगे। सो अभी इधर पर रोड थोड़ा नैरो हो रहा है, सो इसके लिए ज़्यादा मैं स्पीड अप करके राइड नहीं कर पा रहा हूँ, अभी 30 से लेकर 35 तक ऐसे स्पीड पर राइड कर रहा हूँ। साउंड गाइस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। एंड देख पा रहे हो मैं अभी हैवी ट्रैफिक बड़े कंडीशन पर राइड कर रहा हूँ, फिर भी गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब हैंडलिंग लाइट है ना, सो इसके वजह से मैं इजीली गाइस फिल्टर करके निकल सकता हूँ। एंड अगर आप डेली कमिट करना चाहते हो इजीली गाइस कर पाओगे, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा नेकेड मॉडल पसंद करते हो एंड पावर थोड़ा चाहिए, सो वो लोग के लिए NS160 जो बड़ी ऑप्शन होने वाला है। इधर पर थोड़ा पुल करते हैं, सो 75 प्लस अभी ऐड कर रहा हूँ, 80-85। सो बहुत ही ज़्यादा गाइस बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी 50 प्लस स्पीड है, सो चलो गाइस ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसा क्या ब्रेकिंग पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। ओ नाइस नाइस नाइस, फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक दोनों ही गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब अगर आप लोग हाई स्पीड पे पैनिक ब्रेकिंग करते हो ना, ये देखो बाइक देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग इस बाइक को हाई स्पीड पे राइड करोगे। फ्रंट ब्रेक भी बढ़िया है, रियर भी अच्छा है, लेकिन रियर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ सो उस टाइम पे गाइस फ्रंट ब्रेक जीत जाता है, क्योंकि फ्रंट ब्रेक का बाइट मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू रियर ब्रेक। एंड हैवी ट्रैफिक वाली कंडीशन पे मुझे गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा है, मतलब फिल्टर कर सकता हूँ, ब्रेकिंग पे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, पावर रिस्पॉन्स भी बढ़िया है, मतलब एकदम ही ड्रॉप लैग वगैरह मुझे फील नहीं आ रहा है। एंड एग्रेसिव पावर भी है, लेकिन वो 5000 RPM के बाद गाइस आप लोगों को ज़्यादा फील आएगा। थोड़ा लैग कर रहा है पावर पे थोड़ा लैग हो रहा है, 3.8 किलोमीटर चल चुका है, तो खाली रोड है, थोड़ा खींचते हैं। भाई साहब क्या ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, 60+70 तक गाइस रोड को अच्छी तरीके से पकड़ के फिर ही चलता है। लैग कर रहा है पावर पे, पावर लैग हो रहा है, बाइक को साइड पे कर लेते हैं। सो गाइस बाइक जो है फाइनली बंद हो चुका है। एंड अगर मैं आप लोगों को ट्रिप दिखाता हूँ, ट्रिप वन चला है 4.1, मतलब 41 का एवरेज दिया है, इतना माइलेज गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। न्यू बजाज पल्सर NS160 पे गाइस आप लोगों को 41 का माइलेज देता है। अगर मैं ओडोमीटर आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ओडोमीटर जो है 5 किलोमीटर चला है एंड ट्रिप वन हुआ है 4.1। एंड बाइक जो एकदम स्टार्ट नहीं हो रहा है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हो
मतलब बाइक में एक दिन पेट्रोल नहीं है, टैंक को मैंने पूरा कर दिया इधर पे खाली, एंड हम लोगों के पास और भी पेट्रोल है, हम लोग फिल अप करेंगे एंड देन राइड करके चले जाएंगे शोरूम पे। सो अगर आप लोग न्यू मॉडल बाइक करते हो NS 160, सो इजीली गाइस 40 का माइलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। अभी तक इस बाइक में फर्स्ट सर्विस वगैरह नहीं हुआ है, सो इसके वजह से थोड़ा माइलेज कम आएगा, क्योंकि ब्रेकिंग वगैरह उतना ज़्यादा फ्री नहीं रहता है, व्हील्स वगैरह उतना ज़्यादा फ्री नहीं रहता है इसके लिए, उसके वजह से इस आप लोगों को माइलेज थोड़ा कम प्रोवाइड करेगा, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद और थोड़ा आप लोगों को माइलेज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। एंड मैं विद पिनियन राइड किया, आप लोग जैसे देख रहे हो कि मैं हैवी ट्रैफिक वाली कंडीशन पर राइड किया, और आप लोग सिंगल बंदे खाली से रोड पर राइड करोगे उस टाइम पर 40 प्लस माइलेज आप लोग इजिली प्रोवाइड कर देगा न्यू बजाज पल्सर NS 160। सो यही तक आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना, अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेरी जरूर इस कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, सो बाय।